आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड टीम के बीच गुरुवार को एडिलेड में खेला गया। इस सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड टीम भारतीय टीम को 10 विकेट से रौंद डाला, मतलब भारत को मिली हार। भारत को कैसे मिला हार, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन ही बना पाए। अंग्रेजों को 169 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रन 33 गेंद पर 63 रन बनाए। उनका इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल था। हार्दिक आखिरी गेंद पर हिट विकेट आउट हुए। उनके अलावा विराट कोहली ने 40 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। भारत ने आखिरी 5 ओवर में 68 रन बनाए। हार्दिक और कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारत के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत करने के बाद 27 रन पर आउट हो गयी। सूर्य कुमार यादव इस बार 14 रन ही बना पाए। ऋषभ पंत 6 और केएल राहुल 5 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र चंद्र अश्विन गेंद खेले बगैर 0 पर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए क्रिस जर्जन ने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लिए। क्रिस बब्स और आदिल रशीद ने एक एक सफलता अपने नाम की। जवाब में इंग्लैंड टीम ने 16 ओवर में बिना किसी नुकसान के 170 रन बना लिए। इंग्लैंड के लिए एलेक्स हेल्स ने 47 गेंद पर नाबाद 86 रन बनाए। कप्तान जस बटलर ने 49 गेंद पर 80 रन की पारी खेली। जस बटलर बने मैन ऑफ द मैच। मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, आज का दिन ठीक नहीं था, आज हम लोग अच्छे नहीं खेल पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की इस हार के पीछे कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी कीमती राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।